hello students and welcome to roshi's education point today we will be starting with your new milestones social science textbook for class 2 chapter 10 the name of the chapter is festivals we celebrate why do we celebrate festival a question aata hai ki hum festivals yani ki tyohar celebrate hi kyun karte hain festivals are fun they are celebrated all over the world फेस्टिवल्स ब्रिंग एवरी वन टुगेदर बहुत यंग एंड ओल्ड फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है और ये फेस्टिवल्स पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पर चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों सभी लोग साथ में मिलकर इसे सेलिब्रेट किया करते हैं टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स आर आइडर रेलिजियस और नेशनल फेस्टिवल्स दो तरीके के होते हैं रेलिजियस या फिर नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड बाय द इंटायर कंट्री टुगेदर आर कॉल्ड नेशनल फैस्टिवल्स इन इंडिया द फॉलोइंग नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऐसे फेस्टिवल्स जो पूरी की पूरी कंट्री एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करती हैं उसे हम लोग नेशनल फेस्टिवल्स बोलते हैं द फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल इज़ यर इंडिपेंडेंस डे इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन ऑगस्ट फिफ्टीन एवरी ईयर हर साल फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं इट वॉज़ ऑन दिस डे दैट इंडिया गेंड फ्रीडम फ्राम द ब्रिटिश रूल इन नाइनटीन फोटी सेवन इस दिन पर इंडिया को फ्रीडम मिली थी ब्रिटिशर्स से नाइनटीन फोटी सेवन में ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गिव्स स्पीच आट द रेड फोट इन डेली एंड ऑल्सो अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग इस दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है वहाँ पर से एक स्पीच देते हैं और हमारा जो एनरोल है फ्लैग है एनरोल करते हैं उसे यानी कि हॉइस्ट करते हैं ओपन करते हैं देन कम्स योर रिपब्लिक डे इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी ट्वेंटी सिक्स एवरी ईयर हर साल रिपब्लिक डे ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन दिस डे अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड एक परेड ऑर्गेनाइज होती है इस दिन पे हर साल परेड का मतलब होता है एक पब्लिक होती है जब वो साथ में चलती है मार्च करती है उसे हम परेड कहते हैं द परेड स्टार्ट फ्रॉम द रायसना हिल्स इन द नेबरहुड ऑफ द मैजेस्टिक राष्ट्रपति भवन परेड स्टार्ट होती है राष्ट्रपति भवन के पास में रायसेना हिल से इट पासिसोंग द राजपथ एंड एंड्स एट इंडिया गेट राजपथ से क्रॉस होते होते इंडिया गेट पर आकर ये ख़त्म हो जाती है देयर इज़ अ मार्च पास्ट बाय द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स आर्मी ऑफिसर्स नेवी ऑफिसर्स और एयर फोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी मार्च पास्ट भी होती है यहाँ पे द परेड ऑल्सो इंक्लूड्स कलरफुल फ्लोट्स एंड लाइवली परफॉर्मेंसेज बाय स्कूल चिल्ड्रेन इस परेड में स्कूल के छोटे छोटे बच्चों की परफॉर्मेंसेस भी होती हैं द परेड एंड्स विद द फ्लाई पास्ट ऑफ द एयर फोर्स प्लेन्स एंड शावरिंग ऑफ फ्लावर्स ऑन द पीपल प्रेजेंट एट इंडिया गेट परेड के एंड में एयरप्लेन्स फ्लाई करते हैं और वो सभी दूर फ्लार्स बिखेरते हुए जाते हैं जो भी लोग इंडिया गेट के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर आर थर्ड नेशनल फेस्टिवल इज़ गांधी जयंती महात्मा गांधी वॉज़ बॉर्न ऑन अक्टूबर टू हिज बर्थडे इज़ सेलिब्रेटेड एज़ गांधी जयंती जिस दिन महात्मा गांधी का बॉर्न हुआ था यानी कि अक्टूबर सेकेंड उसी दिन को हम लोग गांधी जयंती के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं

लेकिन रिलीजन यानी के धर्म के हिसाब से भी काफ़ी अलग अलग फेस्टिवल्स इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं जिसमें से पहला है होली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स होली को फेस्टिवल ऑफ़ कलर्स भी बोलते हैं पीपल प्ले विद कलर्स एंड वाटर एंड एंजॉय द फेस्टिवल सम पीपल मेक गुजिया इन देयर होम्स ऑन दिस ओकेज़न होली पे गुजिया बनाई जाती है और कलर्स से खेला जाता है और काफ़ी इन्जॉय किया जाता है दिवाली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ़ लाइट्स दिवाली को फेस्टिवल ऑफ़ लाइट्स भी बोला जाता है पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विद लाइट्स एंड दियाज लोग अपने घरों को लाइट्स और दिया से डेकोरेट करते हैं पीपल ऑफर प्रेयर्स एट होम एंड इन टेम्पल्स लोग पूजा करने घर पर भी पूजा करते हैं और मंदिर भी जाते हैं फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विजिट ईच अदर एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स फ्रेंड्स और रिलेटिव एक दूसरे से मिलते हैं गिफ्ट और मिठाइयाँ एक्सचेंज करते हैं द हाउज आर क्लीनड एंड एवरी वन वेयर्स न्यू क्लोथ्स दिवाली के समय घर की सफाई की जाती है और सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं ईद इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमज़ान रमज़ान के होली मंथ के बाद ईद का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ फास्टिंग फास्टिंग का मतलब होता है व्रत रखना ऑन दिस डे पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एंड एवरी वन ऑफर्स प्रेयर्स एट देयर होली प्लेस ईद के दिन सभी नए कपड़े पहनते हैं और अपनी होली प्लेस पर जाकर पूजा करते हैं दे एम्ब्रेस ईच अदर एंड से ईद मुबारक गले लगकर एक दूसरे को ईद मुबारक विश करते हैं द चिल्ड्रेन आर गिवन स्पेशल गिफ्ट कॉल्ड ईदी बच्चों को बहुत प्यारे प्यारे सी गिफ्ट दिए जाते हैं जिन्हें ईदी बोला जाता है डेलिशियस एंड स्पेशल डिशेज लाइक सेवैयाँ आर प्रिपेयर ऑन दिस डे क्लोथ्स एंड मनी आर गिवन टू द पुअर ऑन दिस डे सेवई बनाया जाता है खाने की डिश है ये कपड़े और पैसे गरीबों में बांटे जाते हैं इस दिन पर christmas it is celebrated all over the world on december 25th december 25th ko christmas celebrate kiya jata hai people decorate their homes with lights they pray in the church christmas songs called carols are sung and everybody in the family gets a gift people decorate their christmas trees at home and prepare delicious dishes especially the christmas cakes and puddings पीपल uh, जो लोग होते हैं वो अपने घर को डेकोरेट करते हैं लाइट से चर्च में जाके प्रेयर करते हैं क्रिसमस सॉन्ग्स यानी कि कैरल्स गाते हैं और सभी को फैमिली में गिफ्ट भी मिलता है लोग क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट करते हैं अपने घर में और अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं स्पेशली क्रिसमस केक और पुडिंग सबसे ज़्यादा फेमस है देन कम्स गुरु पूरब इट इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट डिवोशन इन ऑनर ऑफ़ द सिख गुरुज़ सिख गुरुज़ के रिस्पेक्ट में गुरु मनाया जाता है प्रेयर्स आर ऑफर्ड इन द होली प्लेस कॉल्ड द गुरुद्वारा जहाँ पर सिख लोग अपनी प्रेयर करते हैं उसे गुरुद्वारा बोलते हैं पीपल सिंग हिम्स फ्रॉम द गुरु ग्रंथ साहिब विच इज़ द होली बुक ऑफ द सिख सिख की जो होली बुक है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब थाउजेंड्स ऑफ़ पीपल आर गिवन फूड लंगर एट द गुरुद्वारा गुरुद्वाराज में हज़ारों लोगों को खाना खिलाया जाता है जिसे लंगर कहते हैं दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रकाश पैरी अर्ली इन द मॉर्निंग प्रकाश फेरी सॉरी अर्ली इन द मॉर्निंग पीपल गो अबाउट सिंगिंग हिम्स और प्रेयर्स सुबह सुबह लोग गाना गाते हुए प्रेयर्स गाते हुए जाते हैं रोड्स पे बीहू दिस इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटिड इन असाम ये हारवेस्ट फेस्टिवल होता है इन दिस फेस्टिवल बीहू सॉन्ग्स एंड डांसिस आर परफॉर्म्ड इस दिन बीहू के सॉन्ग्स और बीहू के डांसिस परफॉर्म किए जाते हैं बैसाखी दिस इज़ अ हारवेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल थर्टीन एवरी ईयर सिख सेलिब्रेट द अ न्यू ईयर ऑन बैसाखी डांसिस लाइक भांगड़ा आर परफॉर्म्ड ऑन दिस फेस्टिवल बैसाखी भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल ही होता है लेकिन इसकी डेट फिक्स्ड होती है ये थर्टीन ऑफ अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन सिख लोग अपने बैसाखी को एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं डांसेस लाइक भांगरा परफॉर्म करते हैं ये ओनम इट इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला फॉर अ पीरियड ऑफ टेन डेज ओनम एक मेन फेस्टिवल है केरला का और ये करीब दस दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है हाउसेज आर डेकोरेटेड विद रंगोलीज दैट आर मेड फ्राम फ्लार्स फूलों से बनी हुई रंगोली से घरों को सजाया जाता है अ स्वीट डिश नेम्ड पायासम इज़ प्रिपेयर इन एवरी हाउस ऑन दिस ओकेज़न हर घर में इस दिन पायासम बनता है बोट रेसिस आर ऑर्गेनाइज ऑन दिस फेस्टिवल ओनम के दिन बोट रेसिस भी होती है नेक्स्ट इज पोंगल द मेन फेस्टिवल ऑफ़ तमिलनाडु इज़ पोंगल तमिलनाडु का मेन फेस्टिवल है पोंगल इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर थ्री डेज ये जनवरी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है और ये करीब तीन दिन चलने वाला फेस्टिवल है पीपल प्रिपेयर द पोंगल बाय बॉइलिंग राइस मिल्क एंड जागरी टुगेदर इन अ पॉट पोंगल सेलिब्रेट करने के लिए लोग राइस मिल्क और जैगरी जैगरी यानी कि गुड़ को एक साथ एक पॉट में प्रपेयर करते हैं अपार्ट फ्राम दीज फेस्टिवल्स देर आर अदर रेलिजियस फेस्टिवल्स एज वेल दट आर सेलिब्रेटेड इन आर कंट्री ये तो सिर्फ बहुत कम फेस्टिवल्स हैं इनके अलावा भी बहुत से रेलिजियस फेस्टिवल्स हमारे देश में सेलिब्रेट किए जाते हैं पारसीज सेलिब्रेट नवरोज़ बुद्ध जयंती महावीर जयंती तीज नवरात्रि लोहरी और ऑफ़ द अदर फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ये कुछ और फेस्टिवल्स हैं जो कि पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स सिर्फ इतने ही नहीं हैं इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन हम सभी को तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं सो दैट्स वाई हमने हर एक रिलीजन से कुछ कुछ फेस्टिवल यहाँ पर ले लिए हैं सो येस दैट्स ऑल फॉर टुडे This was the end of your chapter, Festivals We Celebrate. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.